ठीक है। वाह, इतना शांति आप लोग कैसे हो गया? ठीक है। सो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज से क्वेश्चंस बहुत कम पूछना स्टार्ट हो गया। परसेंटेज जो भी दिखता था वो रेशियो में दिखता था, 20% ज्यादा है, 30% कम है, या जो भी है नहीं है, परसेंटेज से ओनली एक आपका मुझको याद है क्वाइन प्रॉब्लम, हम लोग करेंगे आज, हम लोग कर लेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। परसेंटेज से जनरली एक क्वेश्चन जो पूछता है, अगर परसेंटेज प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी पे उसका इफेक्ट क्या दिखना स्टार्ट होता है, एंड अगेन हम लोग शॉर्टकट करने वाले हैं। अगर 20% प्राइस आपका इंक्रीज हो गया है तो एक आदमी 20 केजी कम खरीदता है, पहला क्वेश्चन ये होता है, तो पहले कितना खरीदता था, मतलब वो ओरिजिनली खरीदता कितना था। 20% प्राइस अगर बढ़ गया है तो 20 केजी कम खरीदता था तो पहले कितना खरीदता था, पहले 120 खरीदता था। हम लोग 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये लिखा हुआ क्या 1/5, और 1 का मतलब बोलता है क्या है 20, तो 5 का मतलब क्या होगा 100, और ये जो निकल के आता है, निकल के आता है न्यू। आप अभी 100 खरीदते हैं, 20 केजी कम था तो पहले कितना खरीदते होंगे 120। ये इफेक्ट इस तरह दिखता है, प्राइस में जो आपका चेंज है क्वांटिटी में उल्टा दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है नहीं होता, हम बाद में करते हैं। एंड इसमें तीन ही चार क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन जो है मैं फिर से कर रहा हूं, अगर प्राइस 16.66% से डिक्रीज हो गई तो एक आदमी 12 केजी ज्यादा खरीदता है तो पहले कितना खरीदता था, पहला क्वेश्चन ये होता है। 16.66 इज 1/6, 16.66 मतलब 16×96, 1/6, बताइए पहले कितना खरीदता था, ये कितना हो जाएगा 1/6, 1 का मतलब कितना है 12, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा 72, ये अभी खरीदता है, ठीक है, ये अभी खरीदता है, अभी कितना खरीदता है 12 केजी ज्यादा है तो पहले कितना खरीदता था 60, 60 होगा, 84 नहीं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप अभी हैं, अभी आपका क्या है 12 केजी ज्यादा है तो पहले आप 60 खरीदते होंगे। आप जो भी निकालते हैं अभी का निकालते हैं, 100% मतलब आप जो ये कर रहे हैं डिनोमिनेटर जो होता है इसमें अभी का निकलता है क्वांटिटी वाइज, ये ओनली एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर 33.33% प्राइस घट जाता है तो एक आदमी 100 रुपए में 5 केजी ज्यादा खरीद लेता है तो ओल्ड प्राइस 1 केजी का कितना है, 1 केजी का कितना है, क्वेश्चन ये होता है, ओल्ड प्राइस 1 केजी का कितना है, इसका मतलब होता है 1/3, 1 का मतलब 5 है तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 15, 15 अभी का होगा, 15 अभी का है, 15 अभी का है मतलब अभी आप कितना खरीदते हैं 15 केजी, और ये क्या है 5 केजी ज्यादा है तो पहले कितना खरीदते होंगे 10 केजी पहले खरीदते होंगे, 10 केजी का दाम कितना है 100 रुपया, तो 1 केजी का दाम हो जाएगा 10 रुपया। परसेंटेज में ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, मतलब बहुत रेयर से पूछता है कि अच्छा ये हुआ क्या होगा नहीं होगा। परसेंटेज जनरली हम लोग रेशियो में डाल के सॉल्व कर देते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए जो आता है, अगर 20% दाम कम होता है तो 100 रुपए में 25 केजी चीनी ज्यादा मिलती है, 1 केजी चीनी का दाम क्या था ओल्ड प्राइस, फ्रैक्शन में आंसर है कितना, 20% दाम कम हो जाए तो 100 रुपए में 25 केजी चीनी ज्यादा मिलता है तो पुराना 1 केजी का क्या दाम था, 25% का क्या मतलब होता है, सॉरी 20% का मतलब 1/5, 1 का मतलब 25 है तो इसका क्या हो जाएगा 125 केजी अभी खरीदते हैं जो कि 25 केजी ज्यादा है तो पहले कितना खरीदते होंगे 100 केजी, 100 केजी पहले खरीदते थे 100 रुपए में, 1 केजी का 1 रुपया दाम होगा। बस परसेंटेज में एक मेन क्वेश्चन यही पूछता है। दूसरा परसेंटेज में पूछता है चेंज, दूसरा परसेंटेज पूछता है चेंज, अगर लेंथ 20% बढ़ जाए, ब्रेथ 30% घट जाए, हाइट में क्या चेंज कर दे कि वॉल्यूम जो हो नो चेंज हो,
अगर 20% बढ़ जाए, ब्रेथ जो है 30% घट जाए, आप हाइट में क्या चेंज कीजिएगा कि वॉल्यूम नो चेंज हो। बहुत सारा तरीका है, ए प्लस बी, ए बी माइनस 100, जो भी आपको करना है, बहुत सारा तरीका। बट इसमें लोग जो बेस्ट लगाते हैं, हम लोग लगाते क्या है, फाइनल अपॉन इनिशियल, हम लोग बेस्ट यही लगाते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड वॉल्यूम मेरा फाइनल चेंज है, जो प्रोडक्ट होता है फाइनल होता है। लेंथ में कितने का चेंज हुआ है, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, 5 बन किस में गया, 6 में, 6/5 हो जाएगा। आपका जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा इनिशियल होता है। 30% का क्या मतलब होता है, 3/10, ये घट गया तो कितना हो गया, 7/10। हाइट का मुझको नहीं पता है, नो चेंज का मतलब होता है 1, नो चेंज का मतलब होता है 1। सो ये आपका हो कितना जाएगा, एच इज इक्वल टू 50/42, मतलब 25/21। ये ज्यादा दिख रहा है, मतलब मोर होगा, और कितना मोर होगा, 4/21 × 100। हम लोग एबीसीडी लेके नहीं बनाते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 है, फाइनल इनिशियल लिखिए आंसर आ जाएगा, फाइनल इनिशियल लिखिए आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताने का, ये 1/5 था, बढ़ा है तो हम इसको 6/5 कर देंगे, 3/10 घटा है तो 7/10 कर देंगे, और एच नहीं पता है, वॉल्यूम इतना ही है। सेम है, मतलब यही है। अब एक सॉल्व कर दिए छोटा सा, लेंथ आपका 20% इंक्रीज हुआ है, ब्रेथ 25% डिक्रीज हुआ है, हाइट में क्या चेंज कीजिएगा कि वॉल्यूम 10% से बढ़ जाए, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ट्वेंटी परसेंट का मतलब होता है 1/5, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू होता है, लेंथ कितना हो गया 1/5 का मतलब कितना हो गया 6/5, बी कितना हो गया है 1/4, 1/4 का मतलब घटा है, 3/4 होगा ना, 1/4 का मतलब घटा है 3/4। हाइट का मुझको नहीं पता है, ये 1/10 हो गया, मतलब कितना हो गया 11/10, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, एच हो जाएगा 11/9। चेंज कितने का हुआ है, 2/9 × 9 का मतलब होता है 11.11, तो ये हो जाएगा 22.22%। यही है दूसरा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पहला। अब इसमें जो हम लोग जा रहे हैं, देन SICI, अभी बज रहा है कोई 7 बजे वाला तो नहीं है ना, 7 बजे तक क्लास चलेगा, तो अगर पहले निकलना तो निकल जाइएगा, अगर किसी का भी हो तो पहले निकल जाइएगा, ऐसा नहीं हो कि जाके वहाँ पर डांट सुन रहे हैं, 4-5 घंटे यहाँ बर्बाद हुआ, वहाँ भी मूड खराब हो रहा है, तो वो नहीं कीजिएगा प्लीज़, और टेंशन नहीं लेने का, तो हम शर्माने का नहीं कि अच्छा हम पहले निकले बाद निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसा कुछ, रूटीन्स फॉलो कीजिए प्लीज। हॉस्टल है तो प्लीज रूटीन फॉलो कीजिएगा। ओके जगह स्पेस दीजिएगा। आप लोग का भी हॉस्टल होगा ना, हाँ कितने बजे तक चलता है, हाँ तो निकल जाइएगा, मतलब वहां जाके डांट नहीं सुन रहे। ओके सो जो दूसरा दिखता है, अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं 40% और डिस्काउंट देते हैं 10%, तो आप दाम कितना बढ़ाइएगा। आप प्रॉफिट चाहते हैं 40%, डिस्काउंट देते हैं 10%, तो आप कितना दाम बढ़ाइएगा।
मतलब पहले आप कितना दाम बढ़ाइएगा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 40% प्रॉफिट हो जाए, यही है। तो इसमें हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग मार्कअप इनटू डिस्काउंट बराबर प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट मेरा फाइनल वैल्यू होता है। जब भी अगर प्रॉफिट, डिस्काउंट और मार्कअप का क्वेश्चन आए दाम बढ़ाने का, तो हम लोग मार्कअप लिखते हैं, डिस्काउंट लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, ये लिखते हैं। मार्कअप कितना है मुझको नहीं पता, डिस्काउंट है कितना 1/10, और डिस्काउंट घट जाए तो कितना हो जाएगा 9/10, डिस्काउंट हमेशा घटता है। ये लिखा हुआ है 2/5 और ये बढ़ता है 7/5, टू जा मार्कअप हो जाएगा 14/9, और चेंज कितने का हुआ है 5 का, और हमेशा 9 में चेंज हुआ डिनोमिनेटर में, मतलब चेंज हुआ है 55.55%। आप दाम बढ़ा दीजिए, आपको ये कंडीशन मिल जाएगा। आंसर उससे भी आएगा, उससे भी आएगा, P=m+d+md/100, उससे भी आएगा। हाँ, उसमें डिस्काउंट निगेटिव नहीं, तो हम लोग उसको लगाना अवॉइड करते हैं थोड़ा बहुत। इधर जाइए आराम से, एक क्वेश्चन बस सॉल्व कीजिए। अगर कोई 40% दाम बढ़ा के पहला डिस्काउंट 10% और दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट दे कि उसको फाइनली 20% का प्रॉफिट हो। अगर कोई आदमी 40% दाम बढ़ा के पहला डिस्काउंट 10% और दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का दे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, 100/100 लेके बना सकते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे बनाइए। हाँ, 20% का प्रॉफिट चाहिए। मार्कअप आप दे रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दो डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा बाहर लिखते हैं, प्रॉफिट हमेशा बाहर लिखते हैं। 100/21, 40% का मतलब कितना हो जाएगा 2/5 का मतलब 7/5, 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 9/10। ये डिस्काउंट मुझको नहीं पता है, यहां 1/5 का मतलब है 6/5, 5 से 5 कट गया, यहां 3 जा, यहां 2 जा, तो ये हो जाएगा x का मतलब 20/21। हम काम दाम कम कितना कर रहे हैं, एक कितने में, 21 में, 100/21% का डिस्काउंट है। आप बस मार्कअप लिखिए, डिस्काउंट लिखिए, जो नहीं पता जो छोड़िए, प्रॉफिट को इधर लिखिए, फ्रैक्शन में लिखिए, आपका यहां पे जो आएगा उसको देखिए कितना कम हुआ, 1 रुपया कम हुआ है 21 में, 1/21 कम हुआ है, एंड कम हुआ है मतलब डिस्काउंट जा रहा है, यही जाएगा। सो पहला यही है। दूसरा जो बहुत ज्यादा पूछता है, वो पूछता है वन लाइनर। आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल्स, देयर इज प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। पहले इसको सॉल्व कीजिए, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, देन इसका जो टफ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। 20 आर्टिकल को बेचने पे प्रॉफिट होता है जो सेलिंग प्राइस 5 आर्टिकल के बराबर है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 33.33। वन लाइनर, एक ही लाइन में क्वेश्चन लिखेगा कि 20 आर्टिकल को बेचते हैं तो 5 आर्टिकल के इतना प्रॉफिट के सेलिंग प्राइस का होता है। यहां पे दिया क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट, और यहां क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बगल में क्या लिखा हुआ है, 5, तो हम लोग सेलिंग प्राइस को 5 नहीं मानेंगे, प्रॉफिट को 5 मान लेंगे और सेलिंग प्राइस को 20 मान लेंगे। आपके बगल में जो भी लिखा होता है वो आपका वैल्यू नहीं होता है, वो दूसरे का वैल्यू होता है। सो प्रॉफिट 5 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 20 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डिस्काउंट ऑन 20 आर्टिकल्स
इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव आर्टिकल्स एंड ही अर्न्स 25% प्रॉफिट. फाइंड हिज मार्कअप. दाम कितना बढ़ाता है वो कितना दाम बढ़ाता है. 20 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट होता है वो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, एंड उसके बाद भी डिस्काउंट देने के बाद भी वो 25% प्रॉफिट कमा रहता है, तो मार्कअप कितना देता है? यही हो, मार्कअप कितना देता है? डिस्काउंट ऑन 20 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स एंड ही अर्न्स 25% प्रॉफिट. फाइंड हिज मार्कअप. दाम कितना बताता है? 50%. क्वेश्चन यही है, ये सब बहुत सिंपल. पिछले बार जो कैलकुलेशन करवाया है यही सब एकाध क्वेश्चन में लंबा लंबा डेटा देकर कैलकुलेशन करवाया. मेरे को पता है मार्कअप दिया है, मेरे को पता है डिस्काउंट दिया है, और निकालना क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना दिया है? 25% मतलब 1/4. हम यहां क्या लिखेंगे? 5/4. डिस्काउंट हमें पता है, हम उसको लिखेंगे. मार्कअप नहीं पता है. आपका डिस्काउंट ये लिखा क्या है लैंग्वेज में? आपका दिया हुआ क्या है? डिस्काउंट. और क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस के बगल में क्या लिखा हुआ है? 5. तो डिस्काउंट 5 होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20. मार्क प्राइस कितना होगा? 25. मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होता है. मार्क प्राइस 25 होगा. डिस्काउंट में आप 20/25 लिखेगा, 25/20 लिखेगा? डिस्काउंट कम होता है या ज्यादा होता है? कम करता है. मतलब मेरा फाइनल वैल्यू जो था वो कम था, इनिशियल वैल्यू ज्यादा था, फाइनल कम था. डिस्काउंट हम लोग जब भी लिखते हैं, लिखते हैं सेलिंग प्राइस बटा मार्क प्राइस, बिकॉज पहले यही आता है. अब काम करते हैं. एम कितना हो गया? 125/80. मार्कअप कितना ले लिया हम लोग? 45 का. और ले कितने लिए हैं? 80 पे. सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा. प्लीज आपका जो लाइन होगा वन लाइनर डिस्काउंट इतना देने पे, उसको जस्ट लैंग्वेज ही यही होता है. हिंदी में भी यही लिखेगा, इंग्लिश में भी यही लिखेगा. मैंने 20 आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया, 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस कितना? मैंने 20 आर्टिकल पे 5, मतलब सेलिंग प्राइस 20 है, डिस्काउंट 5 है. डिस्काउंट 5 है. मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, तो ये 25 है. और वहां पे चार्ट में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा. मार्क प्राइस डिस्काउंट का क्या होता है? डिस्काउंट में पहले कौन आता है? मेरे को बताना चाहिए था, मैं बता नहीं रहा हूं. डिस्काउंट में पहले कौन आता है? मार्क प्राइस आता है या सेलिंग प्राइस आता है? पहले मार्क प्राइस आता है. तो हम लोग यहां लिखते क्या है? हम लोग लिखते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल. पहले मार्क प्राइस आता है, बाद में सेलिंग प्राइस आता है. पहले कॉस्ट प्राइस आता है, बाद में सेलिंग प्राइस आता है. सेलिंग प्राइस हमेशा बाद में आता है. एक आदमी करता क्या है? 40% दाम बढ़ाता है. लास्ट क्वेश्चन इसका कर रहे हैं. एंड लैंग्वेज भाई देखिएगा, बस लैंग्वेज है. मैं लैंग्वेज में इसमें इस लाइन में लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं. एक आदमी 40% दाम बढ़ाता है, देन अलाउड डिस्काउंट ऑन 25 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स. फाइंड प्रॉफिट परसेंट कितना कर रहा है वो. 40% दाम बढ़ा के वो 25 आर्टिकल पे 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इतना डिस्काउंट दे देता है, तो ये बताइए कितना प्रॉफिट कर रहा है. एम इंटू डी इज इक्वल टू पी. एम इज इक्वल टू डी इंटू पी. हाँ, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है उसका? प्रॉफिट तो कितना हो रहा है? बस आप वहां से डिस्काउंट निकाल दीजिए, उस चार्ट में ढंग से प्लॉट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ऐसा करते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, किसी और दिन भी प्लान करेंगे, देखते हैं, बता दीजिएगा. मार्कअप, डिस्काउंट, प्रॉफिट. मार्कअप कितना है? 40% का मतलब 2/5. मार्कअप दाम बढ़ाता है, तो कितना हो जाएगा? 7/5.
पांच, सेलिंग प्राइस कितना मेरा 25, डिस्काउंट कितना मेरा 5, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 30, मार्क प्राइस हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 25, एंड प्रॉफिट कितना चाहिए मुझको नहीं पता, यहाँ हो जाएगा कितना 5 जा, मतलब ये हो कितना गया 5 जा 6 जा, मतलब हो गया कितना 7/6, एक का प्रॉफिट कमा रहे हैं 6 पे इंटू 100, दैट इज 16.66%। ये ठीक है, सो ये इतना ही है, एंड 6 हो रहा है तो आराम से जाइए, एंड थैंक्स, मैं प्लान करता हूँ कि होता क्या है, अभी 3-4 चीज बचा हुआ है, आप दोबारा आइएगा ना, नहीं 44 हो गया, निकलने में पहुंचने में सबको 7 बज जाएगा, ठीक है मुझे याद है वो, ठीक है मैं इसको सेव कर रहा हूँ, चलिए थैंक्स।